हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल रिसर्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये कि क्या लॉ ऑफ टॉर्ट कहना सही है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहना सही है। जो बेसिक डिस्कशन शुरू हुआ वो डिस्कशन साल्मंड और विनफील्ड नाम के दो स्कॉलर्स के बीच में शुरू हुआ, और उनमें से विनफील्ड का कहना था कि लॉ ऑफ टॉर्ट कहना चाहिए, और जहाँ साल्मंड का कहना था कि नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा जाना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि क्या जितना भी रॉन्गफुल एक्ट है जिसका कोई जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं है वो सारे के सारे टॉर्ट हैं, या अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहें तो इसका मतलब क्या कि जितना भी रॉन्ग्स हैं वो एक लिमिट है, उनका एक लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड कोई भी रॉन्ग्स इस ब्रांच ऑफ लॉ यानी कि टॉर्ट के अंदर डील नहीं होता है। तो जो पहले स्कॉलर थे विनफील्ड, उन्होंने पहला अल्टरनेटिव को चूज किया यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट को चूज किया, क्योंकि उनका कहना था कि जो रॉन्गफुल एक्ट्स है, जितना भी रॉन्गफुल एक्ट्स है वो सब बेसिकली जिनका कोई जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज नहीं है वो सारे टॉर्ट में डील किए जाएंगे। और उन्होंने इस थ्योरी को इस तरह से समझाने का प्रयास किया कि सपोज कीजिए कि मैंने अपने पड़ोसी को इंजर किया यानी हार्म पहुंचाया, तो वो जो पड़ोसी है वो हमें टॉर्ट के रूप में शू कर सकता है, वहां पे भी सू कर सकता है जहां पे वो जो रॉन्ग था बेसिकली इनमें से किसी में नहीं आता है, तब भी वो हमें सू कर सकता है क्योंकि वो एक बेसिकली उसने एक रॉन्ग किया है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन अपने पड़ोसी को इंजर करता है, हार्म पहुंचाता है, उसके अगेंस्ट रॉन्ग करता है, तो वो पड़ोसी उसको सू कर सकता है। इसके ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो जो रॉन्ग है वो असॉल्ट, बैटरी या किसी भी अदर पार्टिकुलर लेम के अंदर आना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो रॉन्ग है तो उसके लिए उस रॉन्ग के लिए किसी न किसी तरह से उसको टॉर्ट, अगर उसका जस्टिफिकेशन नहीं है तो उस रॉन्ग को टॉर्ट के अंदर रखा जा सकता है, यानी कि जो रॉन्गफुल एक्ट है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। रॉन्गफुल एक्ट अगर उनका जस्टिफिकेशन एक्सक्यूज नहीं है तो वो टॉर्ट ट्रीट किए जा सकते हैं, और इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट कहना सही है, यानी कि ये समय के साथ डेवलप्ड कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रॉन्गफुल एक्ट समय के साथ आ सकते हैं। वहीं साल्मंड का कहना था कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा जाना चाहिए, और उनका ये तर्क था कि जो लाइबिलिटी इस ब्रांच ऑफ लॉ यानी टॉर्ट में जो लाइबिलिटी अराइज होते हैं वो तभी अराइज होते हैं जब रॉन्ग्स उस जो टॉर्ट के अंदर डिफरेंट हेड्स हैं, जैसे असॉल्ट हो गया, बैटरी या जिस तरह के डिफेमेशन या फिर नेग्लिजेंस, ये सारे जो हेड हैं उनके अंदर अगर वो कवर होता है तभी वो टॉर्ट के अंदर आता है। कोई जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी नहीं है। अगर प्लेंटिफ उसमें से किसी भी रॉन्ग्स के अंदर, किसी भी हेड के अंदर अपने रॉन्ग्स को पुट अप कर दिखा पाता है कि ये जो रॉन्ग हुआ था ये इस हेड के अंदर आता है, तो बेसिकली वो उसके लिए कंपनसेशन के लिए लायबल है, यानी कि वो टॉर्ट के अंदर आ जाएगा। और इसी को उन्होंने पिजन होल थियरी के द्वारा समझाने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिजन होल होता है उसमें हर जो होल है उसको हम एक टाइटल मान ले, हर एक होल को एक टॉर्ट का जो प्रकार है उसको वो मान ले, तो जब भी कोई रॉन्ग होगा तो उस रॉन्ग को उस पिजन होल में देखा जाएगा कि कौन से होल में वो
फिट बैठता है, और जिस होल में वो फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको रॉन्ग माना जाता है। अगर इसमें से किसी में फिट नहीं बैठता है तो डिफेंडेंट ने बेसिकली कोई टॉर्ट कमिट ही नहीं किया है। तो सार्मिन के अकॉर्डिंग जैसे क्रिमिनल लॉ में कुछ खास तरह के स्पेसिफिक ऑफेंस होते हैं, उसी तरह से टॉर्ट में भी कुछ खास तरह के स्पेसिफिक इंजरी है। विनफील्ड और सालमन दोनों के ही थियरी को सपोर्ट मिलता है। हस्बे वर्सेस वाइट 1702 में यूबी जस एबी रिमीडियम के प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया। इसका मतलब वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी, यानी कि इसमें जस्टिस हॉल्ट ने ये कहा कि अगर जो पर्सन है वो अगर इंजरी को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि इंजरी देने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंजरी देता है, तो उसी तरह से उसके अगेंस्ट जो एक्शंस है वो भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर डिफरेंट रॉन्ग्स ओरिजिनेट होते हैं तो उसके अगेंस्ट डिफरेंट एक्शंस भी ओरिजिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो जो भी इंजरी है उसके अगेंस्ट कंपनसेशन भी मिल है। उसी को 1762 में जस्टिस चीफ जस्टिस प्रैट ने कहा कि टॉर्ट्स जो है वो इनफाइनेटली वेरियस है, वो लिमिटेड या कन्फाइंड नहीं है। तो इस तरह से जो लॉ ऑफ टॉर्ट का टॉर्ट के सपोर्ट में ये सारे जो केस लॉज हैं या सारे जो स्कॉलर्स हैं या जस्टिस हैं उन्होंने सपोर्ट किया। पोलक ने भी इस थियरी को सपोर्ट किया। इसके अलावा इस थ्योरी को इस तरह से भी सपोर्ट किया गया क्योंकि डिफरेंट जो न्यू टॉर्ट्स है वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसका जो है डेवलपमेंट हो सकता है समय के साथ। और डिफरेंट केसेस जैसे पैसले वर्सेस फ्रीमैन या लुमले वर्सेस गे, इन सारे केसेस में इस थ्योरी को जो है रिकॉग्नाइज किया गया और डिफरेंट थे डिफरेंट केस लॉज में भी रिकॉग्नाइज किया गया। डॉक्टर जिंक्स बेसिकली सालमन की थ्योरी को फेवर करते हैं। उन्होंने कहा कि सालमन की थ्योरी में ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट्स जो है इनकेपेबल है क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट। यानी कि सालमन का उन्होंने सालमन की थ्योरी को इस तरह से इंटरप्रेट किया। उन्होंने कहा कि सालमन का थ्योरी भले ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समर्थन करता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोर्ट्स नए तरह के टॉर्ट नहीं बना सकता है। उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर जिंक्स के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है न्यू टॉर्ट्स बना सकता है, लेकिन वो जो टॉर्ट होगा वो तब तक क्रिएट नहीं किया जा सकता जब तक कि उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स हैं, उसके सिमिलर नहीं है तब तक नहीं बनाया जा सकता है। सब्सटेंशियली सिमिलर होगा उनका जो नेचर होगा वो बेसिकली सब सिमिलर होगा अदर जो डिफरेंट हेड्स हैं टॉर्ट के अंदर उनके सिमिलर होगा, तभी वो टॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि आर्बिट्री रूप से कोई भी चीज को टॉर्ट नहीं क्रिए बनाया जा सकता। लेकिन इसमें ऑथर ये कहते हैं कि डॉक्टर जेंक्स के व्यू को करेक्ट नहीं किया जा सकता इन रिगार्ड टू डिफरेंट टॉर्ट्स लाइक टॉर्ट्स ऑफ डिसिट, जैसे रेलिन वर्सेस फ्लेचर एंड नेग्लिजेंस के केस में, जो कि सिमिलर नहीं था टॉर्ट के, उसके बावजूद भी इनका डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें जो है ऑथर ये कहते हैं कि डॉक्टर जेंक्स के व्यू भी हालांकि सही पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ जैसे नेग्लिजेंस का या टॉर्ट लाइक डेसिट का, जो कि अदर जो टॉर्ट्स उस समय एग्जिस्ट करते थे उनके सिमिलर नहीं थे। तो इसी तरह से ह्यूस्टन, इनका कहना था कि सालमंड्स के क्रिटिक्स ने उनको समझा ही नहीं। उनका कहना था कि सालमंड ने ये कभी नहीं कहा कि लॉ ऑफ टॉर्ट पूरी तरह से क्लोज्ड है या अब एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इसी तरह से डॉक्टर ग्लेनबिली विलियम्स ने उस एक रिमार्क किया सालमन के थियरी के
थियरी पे उन्होंने कहा कि जो लॉ है उसको पिजन होल के अंदर कलेक्ट किया जा सकता है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पिजन होल जो है बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको ऐड नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उनका कहना अलग था। डॉक्टर ग्लेनविली विलियम ये कहते हैं कि जो साल्मंड है उनका ये कतई मतलब नहीं था कि पिजन होल को ऐड नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर विलियम ने इस पूरे कंट्रोवर्सी को समअप करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो लॉ ऑफ टॉर्ट कह रहा है, जो विनफील्ड का स्कूल ऑफ थॉट है, उसने बेसिकली जो रूल्स ऑफ लाइबिलिटी है उसको काफ़ी वाइड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है उसने जो है एब्सेंस ऑफ लाइबिलिटी को वाइड कर दिया, यानी कि जिस जिस केस में लाइबिलिटी नहीं होगा उसको वाइड कर दिया उसने। लेकिन दोनों में से किसी स्कूल ऑफ थॉट ने कोई इस तरह का जनरल रूल एस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो लाइबिलिटी से रिलेटेड हो या नॉन लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, जो अभी तक कोर्ट के अटेंशन में नहीं आया हो, ऐसा कोई रूल्स उन्होंने जो है एस्टेब्लिश नहीं किया। अगर हम तो उन्होंने तो विलियम्स ने विलियम डॉक्टर विलियम ने इस तरह से दो कन्फ्लिक्टिंग रूल्स को एक्चुअली समअप करने का प्रयास किया कि क्यों ना हम दोनों को ये कह के सेटल कर दें कि कुछ जनरल रूल्स हैं जो लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, वहीं कुछ जनरल रूल्स हैं जो लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट करते हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ टेरिटरी ऐसा है, कुछ टेरिटरी ऐसा है जहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और यहाँ कोर्ट्स को डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे जो लाइबिलिटी है या जो एब्सेंस ऑफ लाइबिलिटी है उनमें से किसको एक्सटेंड करना है, लाइबिलिटी को एक्सटेंड करना है या एब्सेंस ऑफ लाइबिलिटी को एक्सटेंड करना है। इस तरह से डॉक्टर विलियम्स ने अपना पक्ष रखा। वहीं दूसरी तरफ आगे बात करें तो विनफील्ड ने बाद के समय में उन्होंने अपने थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस लाया। उनका ये कहना था कि जो साल्मंड का थ्योरी है वो भी सही है और जो विनफील्ड यानी उनका खुद का थ्योरी है वो भी सही है। उन्होंने कहा कि जो अगर हम नैरो और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेकेंड थ्योरी जो है वो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम ब्रॉडर आउटलुक देखें तो फर्स्ट जो थ्योरी है वो वैलिड है। अगर हम अपना जो अटेंशन है उसको लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर लें, अगर हम पूरी तरह से जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ है पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को एक्सक्लूड कर दें तो ये सेकेंड थ्योरी में थ्योरी जो है जो सेकेंड थ्योरी है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। लेकिन अगर हम एक वाइडर व्यू लें जहाँ पे जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो समय के साथ जो है ग्रो अप हो रहा है तो फर्स्ट थ्योरी ज़्यादा सही लगेगा। तो बेसिकली ये दोनों में से ये बेसिकली जो डिफरेंस है वो इसलिए अराइज होता है कि हम किस तरह से दोनों को देखते हैं, यानी कि हमारे देखने का जो अप्रोच है उससे ये डिसाइड होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स या लॉ ऑफ टॉर्ट्स हम किस सेंस में कहना चाह रहे हैं। डी लॉयड ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंटायर हिस्ट्री है टॉर्ट लॉ के डेवलपमेंट का उसने अब तक एक कंटिन्यूस ग्रोइंग का मतलब डेवलपमेंट का टेंडेंसी दिखाया है, और ये पूरे कॉमन लॉ कंट्रीज में यूनिफॉर्म नहीं है। पहले जो इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं हुआ करते थे अब वो प्रोटेक्टेड हैं, और ये बहुत ही कम संभावना है कि ऐसा हो कि बाद में ये जो टेंडेंसी है वो बदल जाए, ऐसा होने का संभावना बहुत कम है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा टॉर्ट के अंदर आने वाले समय में भी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
जय लक्ष्मी साल्ट वर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात के केस में ऑब्जर्व किया कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये एक डेवलपिंग लॉ है और इसको बैरिकेडेड नहीं किया जा सकता है, यानी इसको एक लिमिट बैरिकेडिंग करके इसको रोका नहीं जा सकता है, ये डेवलपमेंट होता रहेगा और इस तरह से लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा, ये एवर इवॉल्विंग लॉ है। तो ये था एक बेसिक जो हमारा डिस्कशन था टॉर्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय आप इसी पूरे फॉर्मेट को फॉलो अप कर सकते हैं कि पहले साल्मंड का कहना क्या था, विनफील्ड का कहना क्या था, उन दोनों के बीच में बाद में किस तरह से विनफील्ड ने साल्मंड के जो थ्योरी है उसको भी एक्सेप्ट किया, किस किस केस लॉज में विनफील्ड को सपोर्ट किया गया, कहाँ साल्मंड को सपोर्ट किया गया, किस स्कॉलर्स ने विनफील्ड को सपोर्ट किया, किस स्कॉलर ने साल्मंड को सपोर्ट किया, और बाद में आप डॉक्टर विलियम्स का एग्जाम्पल देके उसको समअप करते हुए एक ऐसा कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो है एवर इवॉल्विंग डेवलपमेंट हो रहा है इसका, और आने वाले भविष्य में भी इसमें डेवलपमेंट देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।